क्वेश्चन है, ये सब नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन था, वी नीड टू इवैल्यूएट द लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन थ्री प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स टेन पावर एक्स। कहीं कोई और लेटर कैलकुलेशन में छूट गया होगा, बाकी कुछ नहीं हुआ होगा, तो कोई इसको सिंपली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लिमिट वन माइनस कॉस टू एक्स को साइन के फार्मूले में चेंज कर देंगे हम, तो साइन के फार्मूले में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा सिंपली टू साइन स्क्वायर एक्स। क्या बन जाएगा, ये टू साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे रहना देंगे, थ्री प्लस कॉस एक्स अपॉन टेन पावर एक्स में एक्स इंटू टेन पावर एक्स हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या करेंगे, अब इनको हमें एक फॉर्म मिलने लगा है, दिखने लगा है हमको साइन एक्स बाई एक्स और टेन एक्स बाई एक्स वाले फॉर्मेट में, इसको कन्वर्ट करते हैं पहले हम, ठीक है। क्या करेंगे, इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपका सिंपली हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये टू तो बाहर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई साइन एक्स बाई एक्स चाहिए हमको ना, ये स्क्वायर है तो इसको साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, और मतलब इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, ठीक है। प्लस थ्री प्लस कॉस एक्स अपान ये एक्स है टेन फोर एक्स है, ठीक है। सर मैंने जब सॉल्व किया तो मैंने नीचे भी फोर एक्स से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर, मैं भी करने वो ही करने जा रहा हूँ मैं। अब देखो इस एक्स से इसका पावर यहाँ कैंसिल आउट कर दिया हमने, ठीक है, और इस एक्स को टेन के साथ में लिखना चाह रहा हूँ मैं। तो अब इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, ऊपर फोर एक्स लिखो नीचे फोर से डिवाइड करना पड़ेगा हमको ना। देखो मैं सिंपली ये बन जाएगा लिमिट टू, ये आपका बन जाएगा साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, और ये मैंने लिख दिया इसको फोर एक्स अपॉन टेन एक्स, ठीक है। और यहाँ फोर से मल्टीप्लाई किया तो नीचे आपको फोर से क्या करना पड़ जाएगा, डिवाइड करना पड़ जाएगा। वन प्लस कितना है, थ्री प्लस कॉस एक्स दिया हुआ, इसको रहने दो ऐसे। ये स्टेप सही याद है, मल्टीप्लाई कर दे, वही तो किया है, ये वही तो है, एक्स ऑलरेडी था हमारे पास ऊपर, यस सर, तो सिर्फ हमने फोर से मल्टीप्लाई करके इसको एडजस्ट कर दिया है, दिखा नहीं दिखा? समझ आ गया ना। ओके अब देखो क्या हुआ, इसको सिंपलीफाई कर दिया मैंने, तो सिंपलीफाई करोगे तो ये सिंपली टू बाहर हो जाएगा, तो टू क्यों बाहर होगा, ये वन बाई टू बाहर हो जाएगा ना। यस सर। ओके इनटू थ्री प्लस कॉस एक्स, वन बाई टू बाहर हो गया, और ये आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स का स्क्वायर हो गया, ये आपका इनटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो फोर एक्स अपॉन 10x हो गया इनटू लिमिट टेंडिंग टू जीरो थ्री प्लस कॉस, लिमिट पुट अप कर दो सारी वैल्यू आ जाएंगी, वन बाई टू इंटू वन इंटू वन इंटू ये थ्री प्लस वन हो जाएगा ना, कॉस जीरो वाली वन होती है, फोर बाई टू इक्वल टू टू।
सर हो गया मैंने ऐसे किया था सर जैसे जो मैंने फर्स्ट स्टेप किया था सर उसमें तो मैंने tan 4x वाले पार्ट को सर जैसे सॉल्व कर लिया था 4x वाला ऊपर नीचे करके फिर से जो मेरा बचा था उसमें मैंने सर cos 2x और cos x में सर वो सीरीज वाला फॉर्म डाला था तो उससे सर यहाँ पे जो भी मेरा x उसके से मैंने x कॉमन लिया था तो सर उससे मेरा मतलब नहीं आप किसी भी तरीके से करो आपका आंसर पूरा आएगा ही आएगा ठीक है तो मेरा उससे 1 आ रहा था देखो कभी मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है cos x का फार्मूला क्या था बोलो यस cos x का फार्मूला सर 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अच्छा बस ठीक है इतने से काम चल जाएगा अपना ना देखो ध्यान दो यहां पे जैसे इसको पुट अप करोगे यहाँ पे तुम तो ये माइनस खत्म हो जाएगा एक्स की जगह पे टू पुट अप करना पड़ेगा आपको टू ही पुट अप किया था तो देखो मैं इसको करता हूँ उस तरीके से भी करके दिखाता हूँ क्या आता है नेक्स्ट कभी भी मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं हो सकता है ठीक है देखते हैं क्या है देखो ये बन जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 माइनस 2 का मतलब आपका 4 हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 16 x पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 3 प्लस cos x ठीक है अपान एक्स टेन फोर एक्स ठीक है अब देखो ब्रैकेट को ओपन करो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा लिमिट x टेन टू 0 वन वन कैंसिल हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 4 है नीचे फैक्टोरियल 2 है तो 2 से कट करके सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा ये 2x स्क्वायर प्लस 16x पावर 4 इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि इससे टर्म 0 होने जा रहा है थ्री प्लस cos x अपॉन x टेन फोर एक्स ठीक है अब देखो क्या बन जाएगा ये यहाँ पे अब लिमिट पुटअप कर दो तो अब देखो यहाँ पे अगर लिमिट आप पुटअप करोगे अभी तो ये आपका 0 बन जाएगा ना और देखो ये पूरे पूरे इतने टर्म के साथ में ये आपका पूरा पूरा लिमिट पुटअप होगा यहाँ तो यहाँ से क्या करो आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा लिमिट 2 प्लस 16 बाय फैक्टोरियल 4 एक्स पावर 4 माइनस डॉट 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 एक्स की पावर में ये 2 बन जाएगा यहाँ पे मैंने पूरा 4x स्क्वायर कॉमन निकाला था उसका नहीं 4x निकाल लोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन 4x निकाल लो तो आपका लिमिट एडजस्ट नहीं होगा ठीक है यहाँ पे x आ गया अपान x स्क्वायर से एक x कट गया खाली x बचेगा यहाँ पे 10 4x इस x को नीचे ले आओ यहाँ पे अपान x हो जाएगा यहाँ 4 चाहिए तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है यस समझ आ गया ना इतना Yes, sir. Extending to 0. अब इसी में डायरेक्ट इसको अलग अलग करके लिमिट पुटअप कर दो तो लिमिट जब पुटअप करोगे तो क्या मिलेगा ये ऊपर वाले में सिर्फ 2 मिल जाएगा अंदर से आपको 3 प्लस 1 मिल जाएगा यहाँ पे सर जैसे हमने x स्क्वायर निकाला तो एक x तो कट गया सर एक x तो अभी एक, बचे एक x नीचे था एक x बचा तो उस x को नीचे ले आए हम 10 के लिए अब सीधा वैल्यू डाल दें 0 0 की हाँ ये x यहाँ पे था ना yes, ये x नीचे आएगा तो 1 by x आएगा ना ये yes, 1 by x को हमने ये 10 4 by x के बाद नीचे x लिख दिया अब क्योंकि इसकी 1 वैल्यू चाहने के लिए हमें यहाँ 4 चाहिए था तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे हमने फिर भी 2 आ गया ना नीचे क्या बचेगा खाली 4 into 1 बचेगा ये
कितना आ गया, 2 2 2 आ गया। अब पता है मिस्टेक कहाँ पे हुई आपसे? यस सर, समझ सर, मतलब सर मैंने 4x² कॉमन ले लिया था, सर मैंने tan x tan 4x पहले कर लिया था सॉल्व। सर पता नहीं सर, शायद कहीं बीच में कुछ छूट गया होगा। एक बार उसको चेक करो, क्रॉस चेक क्या सिचुएशन है। मैंने सर जैसे 4x² कॉमन लिया था उसमें से, तो सर मेरा नीचे 2 फैक्टोरियल तो बच ही रहा था, तो सर मेरा 1/2 करके आ रहा था, तो 1/2 × 2 आ रहा था। कोई बात नहीं, मैं 4x कॉमन लेके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, दिखाऊं? नहीं सर, मैं बाद में एक बार खुद फिर से ट्राई कर लूंगी। एक मिनट देख लो, कंफ्यूजन के साथ नहीं जाना चाहिए ना। क्या था यहाँ पे, ये 4 था, 4 upon factorial 2, ठीक है? Yes. यहां से कॉमन निकाला हमने 4x, ओके? Yes. क्या निकाला कॉमन हमने यहां से? 4x² कॉमन निकाल लिया। Yes. 1 upon factorial 2 बच गया यहाँ पे, और ये 4x² कॉमन आ गया, नीचे x था, ठीक है? ओके yes. okay? yes. अब देखो ये x से ये x पावर कट जाएगा। yes, इस पूरे 4x को नीचे ले आओ यहाँ पे, भाई 4x हो जाएगा, ठीक yes, है, सही है ना? अब देखो लिमिट पुटअप करो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू सिर्फ 1/2 × 4 आएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे? ये 1 upon factorial 2 × 3 + cos 3 + 1/1 यही मिलेगा ना? Yes sir. ये कितना हो जाएगा? देखो आप कोई भी फार्मूला यूज करो, कभी फार्मूला यूज करने की वजह से कभी भी जो है आपका वो चेंज नहीं होगा। yes. कोई भी आप इसीलिए कहते हैं ना कि मैथ में क्या है, आप जो भी फार्मूला चाहो वो फार्मूला यूज कर लो, उसका आपका कभी भी जो है चेंज नहीं हो सकता है। yes, ठीक है? yes, sir. एक थर्ड क्वेश्चन सर जो आपने दिया था सर, वो बिल्कुल ही नहीं हुआ था। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है ये था लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6। हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, देखो इसमें करना कुछ नहीं, मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप ही को करना पड़ेगा इसको, मैं चाहता हूँ आप करो इसको, x टेंडिंग टू पाई बाय 6 2 माइनस रूट 3 cos x माइनस sin x अपॉन 6x - π² अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, ठीक है? yes. तो दिमाग क्या लगाना है, देखो नीचे 6x - π आपको परेशान कर रहा है, अब पाई की लिमिट दी हुई, तो क्या करो इसको पाई प्लस एक्स पुट अप कर दो, सिंपलीफाई हो जाएगा, पुट एक्स इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस एच, वेयर एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 6 एंड एच टेंडिंग टू 0, क्योंकि आपका cos x / x sin x / x जो फार्मूला होता है उसमें टेंडिंग टू 0 होना चाहिए ना, ये या इनफिनिटी होना चाहिए, तो इसलिए हमने ये पुट अप कर दिया। देखो क्या बन जाएगा पुट अप करते ही,
लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो बन जाएगा, टू माइनस रूट थ्री बन जाएगा, ये कॉस पाई बाय सिक्स प्लस एच बन जाएगा, माइनस साइन पाई बाय सिक्स प्लस एच बन जाएगा। यहाँ पे पुट अप करोगे इस वैल्यू को तो कितना, सिक्स प्लस पाई, तो पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, खाली एच बचेगा यहाँ नीचे, एच स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा नीचे? सिक्स एच बचेगा ना, सिक्स एच बचेगा, सिक्स एच स्क्वायर बचेगा, सिक्स एच बचेगा, सिक्स एच का होल स्क्वायर 36 एच स्क्वायर हो जाएगा ना। यस, देखो आंसर दिखने लगा 36 हो गया, ऊपर पूरा कट पिट करके 1 हो जाएगा। अब इसमें फार्मूला लगा दो आप, कौन सा फार्मूला लगेगा, कॉस ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का, और इसको ओपन कर दो, कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू पुट अप कर दो, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू पुट अप कर दो। मैं करूं या आप ट्राई करोगे? तो मतलब कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी का फार्मूला खोल के फिर वैल्यू फिर लिमिट डालेंगे पहले। हाँ। फार्मूला तो मैं करती हूँ, तो मैं करती हूँ, फॉर्मूला खोल के भी उसकी से वैल्यू डालेंगे तो वो तो से नीचे तो तब भी एच स्क्वायर रहेगा, तो वो जीरो नहीं हो जाएगा ना बेटा, उसको एच एच को एडजस्ट करोगे साइन के साथ में ना, साइन साइन एच बाई एच करोगे ना उसको, अगर आप उसको सिर्फ छोड़ देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा ना। कॉस एच वाले में भी अभी नहीं डाले, ऐसे ही छोड़ दे कॉस एच वाले को भी।
बनना नहीं बनना है यार है 1/9x² - cosh / cosh / 9x² मैं बनाऊं सही सही यार नहीं रहा कोई बात नहीं कई बार हो जाता है देखो क्या होगा ये ये आप अगर इसकी वैल्यू पुट अप करें यहाँ पे तो वैल्यू आपकी हो जाएगी सिंपली देखो क्या हो जाएगा ये कास और साइन की वैल्यू मैं पुट अप करने जा रहा हूँ तो ये आपका कास पाई बाई 6 है ना 30 √3/2 मिल जाएगा हमको यहाँ पे ठीक है कास ए इंटू कास बी तो √3/2 कास एच मिल जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी 1/2 साइन एच मिल जाएगा यहाँ पे ठीक है ओके ओके अब क्या करना है साइन वाले की वैल्यू पुट अप करेंगे हम साइन वाले की वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 1/2 cos एच प्लस √3/2 साइन एच बन जाएगा ठीक है अब देखो क्या बना यहाँ से इसको सिंपलीफाई कर लो तो आप मिल जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो और टू इसको अंदर लेके चले जाओ इस वाले टर्म को तो इसको अंदर ले जाओगे तो ये 3 हो जाएगा ना ओके तो बन जाएगा आपका माइनस 3/2 cos h ये प्लस हो जाएगा √3/2 साइन एच ठीक है यहाँ प्लस हो जाएगा √3/2 साइन एच यहाँ भी ये माइनस हो जाएगा तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा इससे साइन एच वाली कैंसिल हो रही है तो साइन एच वहां से कैंसिल हो गई आपके पास में और क्या बचा आपके पास में 1/2 cos एच माइनस 1/2 cos एच ना 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 एक मिनट ठीक है साइन एच हमारा कैंसिल आउट हो गया माइनस 1/2 कॉस एच बचा यही बचा ना अपॉन 36h² ओके देखो क्या हो जाएगा ये सिंपली ये 2 का 2 ही रह जाएगा ये हाफ है और ये हाफ है दोनों मिलकर 2 हो जाएंगे ना ये दिस इज गोइंग टू बी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ये आपका 2 माइनस 2 cos h upon 36h² ठीक है ओके अब क्या करोगे यहां से 2 कॉमन निकाल लो अगर यहां पे छोड़ दो तो प्रॉब्लम है अब हमें पता है कि 1 को कैंसिल करते हैं 1 माइनस cos h हो जाएगा cos x का फार्मूला लिखो sin के टर्म में तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1 - 2 sin² x / 2 होती ना कॉस एक्स की वैल्यू होती 1 - 2 sin² x / 2 होती है तो इसको यहाँ पुटअप करोगे तो 2 बाहर ये 1 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे अंदर अंदर से आपके पास खाली आ जाएगा अंदर से आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये आएगा ना अपान 36h² ओके बस आपका आंसर आ गया आपका देखो साइन एक्स बाई एच साइन एक्स बाई एच कर लेना बाई 2 तो यहाँ पे बाई 2 भर लेना आप इसको देखो इसको लिखो लिमिट एच टेंडिंग टू मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूँ लिमिट
एस टेंडिंग टू जीरो ये आपका 4 हो जाएगा, नीचे आपका 36 है। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, साइन एक्स बाई टू है, साइन एक्स बाई टू है, एच बाई टू है, अपान एच स्क्वायर था, एच इंटू एच कर दिया। यहाँ पे 2 चाहिए तो यहाँ पे भी 2 चाहिए, तो 4 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर में, यही होगा ना। एच बाई टू, एच बाई टू क्या मतलब 4 से यहाँ और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका सिंपली लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1/36 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपका साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू इन टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू, ये क्या हो जाएगा सिंपली 1/36 इनटू 1/6, ठीक है। कहा यहाँ तक मेरे ख्याल से हो रहा था, यहाँ तक सर, यहाँ जब भी कभी 1 के साथ में ध्यान रखो, 1 के साथ में प्लस का सेक्स हो, 1 के साथ में माइनस का सेक्स हो, हमेशा कास का फार्मूला लगाओ और इस 1 को खत्म कर दो, ठीक है। काश के 2 फार्मूले हैं, याद है? यस सर। कौन-कौन से? सर cos 2x is equal, सर मेरे को 3 या 4 याद है, 3-4। एक ये होता है? सर एक होता है 1-2 sin square x by 2। सर एक होता है cos square x by 2 minus sin square x by 2। जब भी 1 मिले तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम इन्हीं का यूज करते हैं, ठीक है। तो लॉपिटल चलने से पहले एक तो क्वेश्चन और है हमारे पास में, 1/n 10^0 36 साइन हो गया, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, कर लेते हैं इसको, फिर चलते हैं लॉपिटल पे। इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी टू पावर एक्स माइनस 1, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, 10a/2x। आपका आंसर दिया हुआ है, देखो आंसर दिया हुआ है 8^2a(a²c)(a/2)(d4a). बनाओगी? मैं ट्राई करती हूँ। करेंगे
से ही होता है, फिर उसके आगे नहीं समझ आ रहा। देखो इसको 10x अपान x के फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। x अपान 10x बाय x के फॉर्म में। फिर मैंने ट्राई किया था तो सर वो ऐसे आ रहा था, जैसे 2 tan of सर a अपान सर मेरा आ रहा था, जैसे मैंने 2 infinity into 2 की पावर h। एक मिनट देखो, 2 पावर x माइनस 1 दिया हुआ, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 पावर x हो जाएगा। यस सर, मैंने इसे तोड़ के लिखा था 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 2। ओके ये भी कर सकते हैं, लेकिन 10 अपॉन 2 पावर x है ना, तो उसी के टर्म में बनाना पड़ेगा ना हमको। अब बना लो, अब तो बन जाना चाहिए ना। पर ए भी तो आ रहा है उसमें, और फिर सिर्फ x टेंड्स टू इनफिनिटी है वो tan x अपॉन x वाली, तो फिर से फॉर्म तब लगती है जब वो x टेंड्स टू 0 0 होता है तो। हां तो क्या प्रॉब्लम है, उसको इनफिनिटी वाले टर्म में भी तो कर सकते हैं। देखो एक मिनट, इसको ऐसे कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट वन मिनट, देखो ये आपको दिया है फॉर्म पूरा, ठीक है। 2x पावर माइनस 1 हमको चाहिए क्या, एक्चुअली में हमको चाहिए 10 a बाई 2 पावर x है, तो नीचे a अपॉन 2 पावर x चाहिए हमको खाली, ठीक है। yes, अगर ये हम बना ले गए तो काम हो जाएगा, तो a था नहीं हमारे पास में, इसको देखो कैसे बनाएंगे हम। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो बेटा लिमिट x टेंडिंग टू इनफिनिटी, ठीक है, और ये आपका बन जाएगा, देखो दिया हुआ है, मैं उसको लिख दे रहा हूँ नीचे ले जाकर के, ये 10 a अपॉन 2 पावर x दिया हुआ है, इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, a से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये जो टर्म दिया है इसको मैं नीचे इसके जाके लिख रहा हूँ 2 पावर x माइनस 1, तो मुझे x माइनस 1 नहीं चाहिए, मुझे x चाहिए, तो x चाहिए होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ना। yes, sir. तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से यहाँ डिवाइड कर दो, तो 2 पावर x बन जाएगा, ये बन गया, ठीक है। ये आपका सिंपल हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, ए बाय 2 बाहर ले लो, कि कांस्टेंट बिल्कुल बाहर कर दो इसको, क्या कर दो, बिल्कुल बाहर कर दो। ये कैसे किया था, ये ए बाय 2 एक्स वाला नहीं समझ आ रहा। हाँ ए अपॉन 2 पावर एक्स कैसे किया, समझ नहीं आ रहा ना, देखो यहाँ लिखो उसको दोबारा, ये यहाँ पे था, यहाँ पे था 2 पावर x माइनस 1 था। yes. 2 पावर x माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, ये 2 से डिवाइड करो तो 2 पावर x बाय 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा। yes, sir. इसका मतलब जो पूरा पूरा टर्म था उसको ये लिख सकते थे अभी हम यहाँ पे, मतलब हमने रिवर्स करके लिख दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 पावर x बाय 2 हो जाएगा ना। Yes, sir. अब इसको अगर नीचे लाओगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 पावर x जाएगा ये। yes, sir. ठीक है। yes, sir. इसकी वैल्यू कितनी है, 1 होती है। अभी हमने देखा था पीछे कि अगर 1 बाई x हो जाए, 10 1 बाई x बाई x, तो क्या हो जाता था वैल्यू आपके पास में, पीछे फार्मूला देखा था, लिमिट x टेंडिंग टू इनफिनिटी साइन 1 बाई x अपॉन 1 बाई x, तो 1 होता था, इसी तरीके से 10 1 by x by x तो भी 1 होता था, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये सिंपली आपका 1 by 2 1 हो जाएगा, ठीक है। yes, sir. इस वाले फॉर्म को जो पीछे बताया था वो बिल्कुल भूलना नहीं है हमको। yes, sir. अगर उसको भूल गए तो फिर इसको बनाना बड़ा डिफिकल्ट होगा। सर तो आपने उसमें बताया था x upon sin x करके था। सर x अपॉन साइन x बताया था सर आपने उस वाली फॉर्म में। ओके
ठीक है, तो देखो अब अगर इसको आपको फर्दर और चाहो सॉल्व भी करना है हमको, तो हमारे पास पीछे फार्मूला है 10x का, उसमें पुटअप कर, देखो 1/∞ पुटअप करोगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा ना ये, ठीक है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे, यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे, साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो इज वन आर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन वन बाई एक्स बाई वाई वन बाई एक्स इक्वल टू वन। इसको कैसे समझेंगे, देखो इसको ऐसे समझेंगे, पुट एक्स इक्वल टू वन बाई वाई, क्या करेंगे, put x equal to 1 by y in this equation, तो ये क्या बन जाएगा आपका equation, ये equation बन जाएगा sin 1 by y upon 1 by y, और limit क्या बन जाएगी, if x tending to 0 तो y tending to infinity हो जाएगी, yes क्योंकि y equal to 1 by x हो जाएगा, तो यहाँ पे y tending to infinity हो जाएगी अल्टीमेटली। ये क्या बना, ये फॉर्म यही तो है, यहाँ पे 1 by y equal to x put up कर दो तो यहाँ पे x equal to 0 हो जाएगा, समझ में आ गया, हेलो, तो कभी भी 1 by x या x दिया तो उसमें हमें परेशान नहीं होना, देखो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं ना इस फॉर्म में हम, इस फॉर्म से यहाँ जाना है तो y इक्वल टू वन बाई एक्स पुटअप कर दो, वहां पहुंच जाओगे, यहाँ से यहाँ आना तो x इक्वल टू वन बाई वाई पुटअप कर दो, ठीक है, लिमिट आपकी जीरो टू इन्फिनिटी के बीच में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से आप 10 में करना है तो 10 में भी कर सकते हो, 10x बाई एक्स दिया हुआ है, लिमिट x टेंड टू जीरो है, x इक्वल टू वन बाई वाई पुटअप कर दो तो लिमिट y टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगी, 10 1 by y हो जाएगा, 5 1 by y हो जाएगा ना, समझा गया ना, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और बच रहा है उसे भी कर लेते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन इनवर्स पे कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन की बात है, तो x tending to 1 by root 2 x minus cos sin inverse x upon 1 minus 10 sin inverse x, इसकी वैल्यू आनी चाहिए माइनस वन बाय रूट टू, ठीक है, सो करने टाइप का है। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन बनाने हो आपको तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, इनवर्स वाले फंक्शन में हमेशा x इक्वल टू क्या पुट अप करते हैं हम, साइन इनवर्स x है, क्या है, साइन इनवर्स x, इसको x इक्वल टू साइन थीटा करके कर सकते हैं, आपका साइन इनवर्स x इक्वल टू t पुट अप करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये साइन t आ जाएगा, इसी के हिसाब से लिमिट भी आपकी चेंज हो जाएगी, लिमिट आप देख लो x इक्वल टू 1 बाई रूट 2 है, कितना है 1 बाई रूट 2, तो साइन t 1 बाई रूट 2 कितना होता, 55 होता है ना, पाई बाई 4, साइन पाई बाई फोर इक्वल टू साइन साइन टी, दिस इंप्लाइज टी टेंडिंग टू पाई बाई फोर, ठीक है, एक्स वाज टेंडिंग टू वन बाई टू, टी विल टेंड टू पाई बाई फोर, तो इसमें पुट अप करो तो क्या मिल जाएगा आपका, ये लिमिट मिल जाएगा टी टेंडिंग टू पाई बाई फोर मिल जाएगा, ठीक है, एक्स की जगह पे आपका क्या बन जाएगा, साइन टी हो जाएगा, माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी, वन माइनस टेन टी, टेन टी, अब इसको सॉल्व कर डालो,
माइनस वन बाय रूट टू आ रहा है। हाँ आंसर दिया हुआ है आपको। यस दिया हुआ है। कैसे बनाया इसको? मैंने टैंडी को साइन और कॉस की फॉर्म में लिख दिया तो ऊपर कॉस चला गया, नीचे से माइनस साइन ऊपर नीचे कहीं से भी कॉमन लेके वो कट जाएगा तो माइनस कॉस टी आ जाएगा, फिर से टी की वैल्यू डालेंगे तो माइनस वन बाय रूट टू आ जाएगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक क्वेश्चन और बचेगा नहीं, और क्या है इसके बाद में हमारे पास जो भी क्वेश्चन है वो क्योंकि हमने लापिटल रूल पढ़ ही लिया है। ठीक है, हेलो, यस सर, हमने लापिटल रूल पढ़ लिया है ना, एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो उसमें क्या करते थे एल हॉस्पिटल रूल में? एल हॉस्पिटल रूल, एल इसमें एच ओ एस साइलेंट होता है, इसको लापिटल रूल बोलते हैं। ठीक है, आप अपने समझने के लिए एल हॉस्पिटल रूल भी संदर्भ कर लें। तो इसको यूज करके एक क्वेश्चन है, इवैल्यूएट रूल तो पढ़ना है नहीं हमें, रूल तो हमने जान लिया था पहले ही। आज क्वेश्चन करेंगे एल हॉस्पिटल को, खाली टारगेट अपना इतना था, ये 3 पावर 4x - 5 पावर 2x अपॉन साइन x, इसको बनाना है, बन जाएगा? ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगर 0 by 0 या इनफिनिटी बाय इनफिनिटी की फॉर्म, बाय इनफिनिटी फॉर्म हो तो। हो गया? नहीं, देखो क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल बोलता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 पावर 4x - 5 पावर 2x अपॉन साइन 7x एंड पुटिंग दिस 3 पावर 0 5 पावर 0 1 - 1 अपॉन 0 0, दिस इज 0 by 0 फॉर्म। इफ ए फंक्शन टेक्स 0 by 0 फॉर्म, then limit of function will be given by its first derivative. It means limit x tending to 0, इसको derivative कर दो, a power x का derivation होता है, कितना होता है?
ए पावर एक्स का डेरिवेशन करना है आपको, को एक्स मान लो लॉग, इसको लॉग ए हो जाता है यानी थ्री हो जाएगा, इनटू फोर एक्स का डेरिवेशन करोगे तो ये आ जाएगा फोर, ठीक है, माइनस फाइव को ए पावर एक्स का डी बाई डी एक्स करते हैं तो ये क्या बन जाता है, सिंपली लॉग ई ए बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 4x को x मान दिया तो 4x को दोबारा करना पड़ेगा, इसी तरीके से 5 log 2x से करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये log a बन जाएगा यानी 5 और 2x का 2x से करेंगे तो 2 हो जाएगा, अपान sin x से करेंगे तो ये 7 cos 7 है, cos x हो जाता है और 7 को x करेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यस सर, बस लिमिट पुट अप कर दो यहाँ पे ला करके, नाउ पुटिंग द लिमिट ये अपना 4 log बेस ई थ्री माइनस टू log ई बेस फाइव और पांच सेवन इंटू वन हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो कि log ई थ्री पावर 481 होता है माइनस log ई फाइव पावर 225 होता है बाई सेवन है, कि सिंपली 1/7 log बेस ई 81 अपॉन 25 हो जाएगा। बेटा ये फार्मूला m log n इक्वल टू log n पावर n होता है। यस है ना, यस जैसे log 3 का 4 और log 5 का, तो 4 3 के पावर चला जाएगा, 3 के पावर करोगे 4 के 81 हो जाएगा वो, योर आंसर इज 1/7 log 81/24। यस, अच्छा इसको किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, अगर लॉपिटल रूल ना होता हमारे पास तो किसी और तरीके से भी कर सकते थे इसको, हाँ कर सकते हैं उसको कुछ पुट करके, हाँ कर सकते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, बट जानना तो चाहिए हमको ना, हमने देखा था 3/4x माइनस 5/2x अपॉन साइन 7x, साइन 7x को 7x मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना लेंगे एक, और इन साथ इन वाले को हम बनाएंगे किस फॉर्म में बनाएंगे, a पावर x माइनस 1 अपॉन x वाले टर्म में बनाएंगे, यस याद है फार्मूला ना, यस सर, तो ये अपना कितना दिया 3/4x दिया माइनस 1 प्लस माइनस 1 दोनों में करके बाई करके इसको अलग अलग कर ले, लिमिट वो बन जाएगा ये, जैसे कर सकते हैं इसको डायरेक्टली लिखें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पहला वाला बना रहा हूँ, 4 बाहर ले लिया हमने, 3/4x माइनस 4x अपॉन 4x ये पहला वाला टर्म हो गया, माइनस ऊपर 2x था तो 2 अपॉन 5/2x माइनस 1 अपॉन 2x, सही है ये, अपॉन साइन 7x है हमारे पास में, ये अपना हो जाएगा 7x इंटू 7 हो जाएगा, ये x है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा, yes. x मल्टीप्लाई यहाँ क्या था इसको एडजस्ट करने के लिए वो यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है, yes. ये आपका फंक्शन बन जाएगा। अब जैसे फंक्शन बन गया आपके पास में तो हमको पता था इसकी जो वैल्यू होती थी कितनी हो जाती थी, वो लॉग ए टाइप समथिंग हो जाती थी, ठीक है, आती थी ना लॉग ए की टाइप, ए के टर्म में वैल्यू आती थी सारी, ठीक है, तो ए आपका 4x था हमारे पास में तो वही मिल जाएगा आपको वैल्यू जो पहले में लिखी है हमको, ठीक है, 4 into 3 log 3 minus 5 into log 5 मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इलंधी ही पड़ जाता है वो, इजी पड़ जाता है आपको लॉपिटल, ओके, लॉपिटल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है
लिमिट x टेंड टू जीरो साइन पाई अपॉन कॉस स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, जीरो जीरो पुटअप करोगे यहाँ पे तो जीरो साइन पाई की वैल्यू जीरो अपॉन जीरो, तो जीरो भाई जीरो फार्मूला पुटअप लूँ लग जाएगा। ये दो फंक्शन जैसे जो जीरो बाय जीरो की फॉर्म आ रही है सर उससे तो हम जैसे आपने से जो इससे पहले मेथड्स बताए थे जैसे सर वो भी यूज कर सकते हैं सर, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है या वो वाले मेथड्स से करना है? देखो हमने सबसे पहले क्लास में क्या बताया कि आपको सारे मेथड सीखने हैं, फिर क्वेश्चन देख के आपको जज करना है सबसे पहले किस मेथड में आप जल्दी आंसर पा जाओगे, ठीक है? लापिटल वाले में कई बार नीचे डिवाइड करते हैं, अगर आपका फंक्शन एक्सपेंड करेगा बढ़ेगा ज्यादा बढ़ेगा तो लापिटल नहीं जाएंगे हम, तो बाकी मेथड यूज करेंगे हम, लेकिन अगर लापिटल से बन सकता है तो सबसे पहले लापिटल ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको एक स्टेप में आंसर आ जाता है। देखो क्या करेंगे, लापिटल ट्राई करो इसमें x टेंड टू जीरो, अगर नहीं आएगा तुरंत हम स्टेप पीछे आ जाएंगे, ठीक है? करते हैं फंक्शन के तरीके से इसको लेकर के हैं, ये आपका क्या है साइन x मान के चलो, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है cos x होता है, पाई cos स्क्वायर x इनटू, अब पाई cos स्क्वायर x को हमने t माना था x माना था तो इसको करेंगे, इसको करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा माइनस 2 पाई, पाई तो कांस्टेंट आ जाएगा, अब cos स्क्वायर x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos स्क्वायर x का करेंगे तो ये 2 cos x हो जाएगा, अब फिर cos x का करेंगे तो माइनस sin x हो जाएगा, सही है? यस सर, ये नीचे 2x हो जाएगा, ओके? यस सर। चलो अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, sin x by x मिल जाए तो हमारा काम हो जाए, cos से तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी ना? Yes, sir. 2 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया आपका, माइनस बाहर कर दो, लिमिट x टेंड टू 0 हो गया, sin x by x हो गया, लिमिट x टेंड टू 0 हो गया, cos pi cos स्क्वायर x हो गया, लिमिट x टेंड टू 0 हो गया, cos x हो गया, यही हुआ ना, पाई भी बार आ जाएगा आपके, ये पाई था ना यहाँ पे कांस भी बार हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी माइनस पाई इनटू वन इनटू कितना, देखो ये कांस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, पाई इनटू पाई से कांस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है, कांस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, ये सिंपली आपका पाई हो जाएगा, ठीक है? इतना सेकंड का, तो ये सब क्वेश्चन में आपका 20 सेकंड के क्वेश्चन बन गए, ठीक है? समझा गया ना? यस सर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, से जरा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी, देखो लापिटल पे आप जब लापिटल आ जाए आपको तो बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन से वो दूसरी साल में होंगे, तो क्वेश्चन दिया हुआ है इफ fx dx be differentiable function and f1 equal to g1 equal to 2 then then you need to find and evaluate the limit f tending to 1 f1 gx minus g1 fx minus f1 plus g1 upon g
एक्स माइनस एक्स, ठीक है। हेलो yes, अब लापिटल अगर पुटअप कर दो यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन कर दो तो वन माइनस वन माइनस वन बन जाएगा सारा, ये जीरो बाई जीरो का बन जाएगा। वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ठीक है, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगा। तो दिस इज अ जीरो बाई जीरो फॉर्म, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू वन का एफ वन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रह जाएगा, जी का डिफरेंशिएट करेंगे तो जी डैश एक्स बन जाएगा। जी वन वैल्यू है, कांस्टेंट है, एफ डैश एक्स बाकी आपका जीरो हो जाएगा। जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स। अब आपको दिया हुआ है F1 equal to G1 equal to 2 दिया हुआ है, वैल्यू पुट अप कर दो। लिमिट x tend to 1 और ये 2 कॉमन हो जाएगा, 1 1 2 कॉमन हो जाएगा। यस सर, 2 कॉमन आएगा, g dash x minus f dash x, g dash x upon f dash x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आंसर, ठीक है। यस इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, तो इसमें जी डैश के हमें कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और है हमारे पास, देखते हैं इसमें, ये बनाओ, बना के देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बना के देखो फिर से। इफ F9 equal to 9 and F dash 9 equal to 4. F9 is equals to 9. F9 equal to 9, F dash 9 equal to 4. Yes, sir. This is 4. Then evaluate limit X tending to 9. Under root fx minus 3 upon under root x minus 3. ठीक है, बनाओ इसको। Yes sir. फोर इसका आंसर आ रहा है, सही है, ठीक है। यस सर, आंसर इसका 4 है। बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे और इसके वैल्यू पुट अप कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड टू 0 cos पावर 1 बाई 2 माइनस cos पावर 1 बाई 3 अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है। यस, को बना डालो। यस,
इसमें एंगल तो है ही नहीं बेटा, ये साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, जैसे यहाँ पे कॉस एक्स की पावर 1/2 होगा। देखो एक्स मान के करो तो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर टू साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। सिंपल कास्ट का कोई मीनिंग नहीं है ना, मैं पूछ रही ओके बेटा सर -1/12 आएगा सर, इसका आंसर आपका आ जाएगा -1/12। यस ठीक है, क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ऊपर नीचे, वैल्यू पुट अप कर देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हम आप जितना मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन है मैं लापिटल पे आज कर लेते हैं, जिससे इसके इससे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में हमसे मिस ना हो। ठीक है, उसी जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है उन सारे का कलेक्शन मैंने बनाया हुआ है, देखते हैं क्या है। लेट क्वेश्चन है, लेट अभी तक हमने सिंगल डेरिवेटिव किया, आप डबल डेरिवेटिव पे देखते हैं क्वेश्चन। लेट fx बी a twice differentiable twice differentiable function and f double dash 0 equal to 2 then evaluate limit x tend to 0 to fx minus
थ्री एफ टू एक्स माइनस नहीं प्लस एफ फोर एक्स सॉरी प्लस एफ फोर एक्स वन एक्स स्क्वायर ठीक है। The given limit is 0 by 0 form. Yes, sir. Fx is a twice differentiable and given form is a 0 by 0 form. तो क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल लगाएंगे और देखेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल करके क्या करेंगे हम। Yes. ठीक है? Yes. Then this can be written as x tending to 0. 2 into f dash x minus 3 into 2 f dash 2x. Yes. सही है? Yes. Plus 4 into f dash 4x. 4x. On 2x. अब on 2x. क्योंकि अभी 0 by 0 बना रहेगा ये. Common निकाल के कट जाएगा सब में से. 2 कट सकता है, x नहीं कटेगा ना यहाँ पे. तो अभी भी 0 by 0 बचा हुआ है ये, तो क्या करेंगे इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। हमको ये डबल डैश दिया भी है तो हमको जाना पड़ेगा वहां से। तो ये आपका 2 f डबल डैश x माइनस ये आपका 12 हो जाएगा f डैश 2x डबल डैश और प्लस ये आपका 16 हो जाएगा f डबल डैश 4x। नीचे का आपका खत्म होकर सिर्फ 2 बचेगा। यस ठीक है। यस अब बाकी वैल्यू पुट अप कर दो। आप वैल्यू पुट अप करोगे तो क्या मिल जाएगा? जस्ट बाय पुटिंग द लिमिट 2 मिल जाएगा, f डबल डैश 0 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, f डबल डैश 0 मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, f डबल डैश 0 मिल जाएगा। भाई इसकी वैल्यू 2 दी हुई है, अब करके सॉल्व कर दो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? ये वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, पुट f डबल डैश 2 इक्वल टू 2 ठीक है। तो इसे क्वेश्चन जो होते हैं बेहद इजी होते हैं, लेकिन अगर हमें ना आए तो बहुत टफ होते हैं। अगर हमें लॉपिटल ना आता होता एफ डबल डैश ये दे करके हमें दिया गया होता, पूछा गया होता कि कुछ और इवैल्यूएट करो, तो हम फंक्शन को डिसाइड करने में निकालने में पूरा हमारा लाइफ खत्म हो जाता ना। कैसे? एफ डबल डैश 0 वैल्यू रखते तो मतलब ये आपका 2 था, इसका मतलब समथिंग कांस्टेंट 2 है। ये क्या है? कांस्टेंट 2। इसका मतलब होता है कि f डबल डैश x आपका क्या था? वो सिर्फ 2x प्लस सम कांस्टेंट c था। इसका मतलब fx आपका क्या हो जाएगा? fx आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस c प्लस c डैश, है ना? cx प्लस c डैश बहुत सारा कांस्टेंट हो जाएगा। उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए हमको, ठीक है? लेकिन लॉपिटल अगर हमें पता है तो हम क्या करेंगे, हमने डायरेक्ट इसको पुट अप किया और इसको सॉल्व कर लिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू fx हैज अ यूनिक टेंजेंट। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स हैज ए यूनिक टेंजेंट at a point a0
through which the graph passes, then evaluate limit extending to a log e 1 plus 6 fx upon 3 fx. ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ. इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू fx हैज अ यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट a0. किसी भी ग्राफ का अगर किसी भी पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट पे वो ग्राफ डिफरेंशिएबल हो जाएगा. क्या हो जाएगा वो? हेलो, यस सर. उस ग्राफ का डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि f डैश x आपका डिफरेंशिएबल है. पहली चीज तो यूनिक टेंजेंट का मतलब है. हाँ ठीक है, यस सर. ओके अच्छा, दूसरी चीज फ्रॉम द क्वेश्चन और क्या दिया हुआ है कि वो पास करता है. क्या करता है? वहां से पास करता है ग्राफ. ठीक है, तो इसका मतलब पॉइंट ए जीरो से पास करता है. तो अगर x इक्वल टू a पुट अप करोगे तो y इक्वल टू जीरो मिल जाएगा. मतलब एफ ए इक्वल टू जीरो दिया हुआ, एक कंडीशन ये दिया हुआ है और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि आपका जो एफ एक्स है वो x पे डिफरेंशिएबल है. इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, यही दिया हुआ ना. अब ये दो पॉइंट दी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें लापिटल रूल लगाना पड़ेगा. क्लियर? यस सर. लगा दो, लिमिट निकालना. देयरफॉर लिमिट दिस कैन आल्सो बी रिटन एज एक्सटेंडिंग टू ए log x. log x का 1/x होता है. log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1 plus 6 fx हो जाएगा. और इसका ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का 0 हो जाएगा, 6 का 6 रह जाएगा, f डैश x हो जाएगा. ये डिवाइड बाय 3 f डैश x. ठीक है, ओके, लेट्स पुट द वैल्यू हियर. तो f 0 के वैल्यू पता है हमें क्या है, f इक्वल टू a पुट अप करेंगे तो फंक्शन आपका 0 हो जाएगा. इसका वैल्यू पुट अप करो टू a 0, तो ये हो जाएगा सिंपली क्या मिल जाएगा हमको, 1 plus 6 fa by 2. देखो यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 3 था, सो काट देंगे, 2 मिल जाएगा सबसे पहले हमको. तो यस इनटू मिल जाएगा, डिफरेंशिएबल है तो दोनों फंक्शन सेम हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, f'x भी कट जाएगा, कट जाएगा. नीचे क्या मिलेगा, 1 upon 1 plus 6 fa मिलेगा और fa कितना है, 0. तो सिंपली कितना वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगा. कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा था, कितना सिंपल हुआ. यस सर. तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसको यूटिलाइज किया, इस पॉइंट को यूटिलाइज किया कि a पुट अप करेंगे तो y की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, यानी fa इक्वल टू 0 पहला इंफॉर्मेशन. और दूसरा क्या, वो यूनिक टेंजेंट था वहां पे, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है. ठीक है, मींस dy / dx जो था कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के है, क्या है, के है. तब dy dx / क्या आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल था. ठीक है, अब एक इजी क्वेश्चन क्वेश्चन है लापिटल पे ही, बट इजी क्वेश्चन है. इवैल्यूएट, हमने साजिश टाइप का क्वेश्चन पीछे किया भी है, ये पता नहीं. लिमिट एक्स टेंड टू जीरो
log, यहाँ बेस दे दिया 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर 2x, log base tan square x और tan square 2x उसके साथ में है, मतलब जो tan square 2x के साथ में log tan square 2x पहले तो इसका बेस ही चेंज करना पड़ेगा। कर लो, ये l अगर लिखू मैं तो सिंपली बन जाएगा लिमिट x tan to 0 लाग ऊपर का बेसी कर देंगे तो वही रहने देंगे इसको, ये 10 स्क्वायर 2x हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दें किससे, हम खाली log 10 स्क्वायर x से, ठीक है। से ये से बेस चेंज ऐसे करते हैं, अब डिफरेंशिएट कर दें नॉर्मल। अब देखो ये कौन सा फॉर्म बन गया, जीरो रखेंगे तो टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, फिर जीरो, और लॉग जीरो क्या हो जाएगा, डिफाइन इनफिनिटी हो जाएगा। यस, ये आपका बन गया इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म पे है। यस, तो इसका मतलब क्या लगेगा, लॉपिटल लगा देंगे, यूजिंग लॉपिटल क्या बन जाएगा, ये एल इक्वल टू लिमिट, अब इसको डिफरेंशिएट कर लो और वैल्यू करके काम कर दो। यस, देखो इसको लॉग एक्स मान लो, तो लॉग एक्स मान लोगे तो लॉग एक्स का मतलब हो गया 1/1 टू यहाँ पे लिखते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा आगे लिखने पे, ठीक है। ऊपर वाले का हो गया, नीचे वाले का करें तो नीचे वाले करें तो इसका भी 1/1 tan square x, tan square x 2 tan x secant x, sec x ना स्क्वायर नहीं होगा। यस, tan x का क्या होता है, sec square x, ठीक है, tan x का sec square x। अब बाकी इसमें और कुछ आने वाले नहीं है, और ठीक है। यस सर, ओके, लेट मी सिंपलीफाई दिस, तो सिंपलीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1/5 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। यस सर, यस सर, इसको ऐसे सॉल्व करो कि आपका ये साइन के फॉर्म और cos के फॉर्म में आ जाए। यस सर, से मैं करती हूं, दो को बाहर निकाल लेते हैं सबसे पहले हम,
हो गया। मैं सॉल्व कर दी आ गया ना yes. वन ठीक है कर लो। जीरो प्लस से तो मतलब आरएचएस के लिए निकालना है जीरो राइट प्लस ना ना जीरो प्लस से बहुत परेशान हूँ। जीरो प्लस का मतलब इस तरीके का पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है आपको ठीक है। उससे जीरो से परेशान मत हो खाली इसलिए प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि लॉग एक्स जो होगा ठीक है वो नेगेटिव नहीं हो सकता ना इसलिए उसमें जीरो प्लस लिखा हुआ है। ये तो बट इसमें तो एल हॉस्पिटल रूल ही लग पाएगा क्योंकि ये तो 0/1 वाली फॉर्म है मतलब 0/0 तो है ही। अच्छा देखते हैं कैसे देखो दिस कैन बी रिटन एज लेमिट लॉग एक्स ठीक है पावर एन अपॉन एक्स पावर माइनस एन लिख सकते हैं ठीक है। अब जब वैल्यू पुटअप करोगे तो एक्स जीरो पुटअप करोगे तो इधर इन्फिनिटी दे देगा इस यहाँ पुटअप करोगे तो इधर इन्फिनिटी दे देगा तो ये आपका बन गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म भाई क्या बन गया आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गया ये जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गया तो क्या करेंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल लॉपिटल रूल क्या मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं हमको ये एक्स मान के करो तो एन बन जाएगा
नीचे x पावर माइनस m का उसको n मान के करो तो माइनस m हो जाएगा और x पावर माइनस m माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है? यस सर। यहाँ इस x को नीचे ले आओगे तो ये जैसा था वैसे फिर से हो जाएगा, x tending to 0 plus n log x power n minus 1 upon माइनस एम एक्स के पावर माइनस एम हो जाएगा। अभी भी क्या बनेगा, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म बना हुआ है ये। यस सर। क्या करेंगे फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, दिस विल गिव अस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस तो क्या हो जाएगा एन इनटू एन माइनस वन लॉग एक्स पावर एन माइनस टू माइनस टू और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास में एम स्क्वायर माइनस माइनस टू एम स्क्वायर हो जाएगा और एक्स पावर एम बना ही रह जाएगा क्योंकि लॉग एक्स करोगे तो वन बाई एक्स आएगा ना वहां से। यस सर। तो इसको पावर इसका मेंटेन रखेगा। तो देखो ये हमें क्या दिखा रहा है, देखो अभी भी इनफिनिटी बाई इनफिनिटी फॉर्म बना हुआ है, मतलब कितना इसका, इसका मतलब ये हुआ कि हर स्टेप पे n n माइनस वन आता जा रहा है और ये तब तक जाएगा जब तक ये आपका पावर जीरो ना हो जाए टोटल। यस n n माइनस वन डॉट 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 वन तक जाएगा। इसका मतलब इसको अगर फर्दर डिफरेंशिएट करते जाए हम n टाइम तक तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस n फैक्टोरियल अपॉन माइनस m पावर n और x की पावर माइनस m मिलेगा। ये मिलेगा ना माइनस n की पावर n इनटू x की पावर माइनस m। यस सर। अब देखो यहाँ पे पुटअप करोगे क्या पुटअप करोगे वैल्यू जीरो तो इसको ऊपर लेके चले जाओ x इनटू m हो जाएगा और वैल्यू आपको जीरो मिल जाएगी। दिस कैन बी सिंपली रिटन एज लिमिट x टेंड टू जीरो प्लस n factorial x power m upon minus m power m, ये हुआ ना? Yes sir. X equal to zero put up करोगे तो value आपको zero मिल जाएगी। Yes sir. ठीक है? Yes sir. Okay. एक क्वेश्चन और बचा, एक दो क्वेश्चन बचे लास्ट के लैपटॉप पे जो भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं वैरायटी वो सारे हमने इकट्ठा कर लिए हैं। ये वाली है, ये वाली है, मेन x टेंडिंग टू 0 sin माइनस x tan इनवर्स x अपॉन 0 0 बाय 0, ठीक है? 0 0 फॉर्म है, लैपटॉप लगा दो, सॉल्व कर दो।
बेटा मैं 2 मिनट पे सोने वाली हूँ। अब मेरा 1/2x - 1/2 (6) ऐसे आ रहा है। जा रहा तुम्हारा? फिर 1/2x - 1/2 (1/6)। नहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, भी देखता हूँ कुछ मिसिंग करते हैं उसको भी। देखो इसको मैं एल लापिटल से पहले मैं एक और तरीके से लगाना चाहूंगा। साइन एक्स और टेन इनवर्स एक्स का एक्सप्रेशन याद है आपको? उन दोनों का एक्सप्रेशन बोलो क्या है, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? पावर 5/5 factorial। बस रुक जाओ, और 10 का सर x - x³/3 + x^5/5। इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको ओपन करोगे जब तो क्या होगा, x x कैंसिल हो जाएगा। yes, ठीक है। और yes. ये टर्म बचेगा आपके पास, तो ये आ जाएगा आपका सिंपली, क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 2x³/3। ठीक है, 2x³/3 और ये आपका +9 9 - 1 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अपान पर कोई नहीं, नंबर रहना दो, इसको ऐसे लिख दो, पूरा पूरा टर्म लिख दो, पूरे पूरे टर्म को लिख दो क्योंकि पावर में मतलब नहीं है ना। देखो ये आप इसको ऐसे लिख दो, ये आपका बन जाएगा 9x^5 / 5 - x^5/5 एंड ऐसे डॉट 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 तमाम टर्म बन जाएंगे। नीचे x³ से काट दो इसको, ये कट जाएगा, यहाँ पावर 2 हो जाएगा, यहाँ भी पावर 2 हो जाएगा, सारे x के पावर में आ जाएंगे। ओके तो ये आपका 2/(3) है। एक्स वाले 10 वाले फैक्टोरियल नहीं है बेटा, 10 में फैक्टोरियल नहीं है, ये गलती हो गई हमसे। देखो हाँ है नहीं बे, तो ये क्या बच जाएगा, देखो सिंपली एक्स क्यूब काम कट जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 1/(3), और ये प्लस में आया था तो 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, सिर्फ इतना ही मिलेगा आपको, तो ये 1/6 + 1/3 हो जाएगा, 6 LCM हो जाएगा, 2 यानी 3/6 हो जाएगा, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेलो। ये तो आपका सिंपल मेथड से हो गया। अब लैपिटल लगाते हैं आप, देखो हम इसलिए दोनों मेथड को कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सा लगाएं कि इजिली आंसर मिल जाए हमको। ठीक है, इस केस में मैं लापिटल लगाना पसंद नहीं करूंगा, अगर मुझे करना होता मैं लापिटल नहीं लगाऊंगा इसमें। ठीक है, इस केस में मैं ये लगाता एज ए स्टूडेंट, लेकिन सीखना तो इसमें भी लापिटल सीखते हैं, तो लापिटल सीखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये लिमिट x→0 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है आपके पास में वो हो जाता है 1 + 1 + x। तो साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x²
वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टेन एक्स का ओके तो लिखो इसको वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है? यस। इसको सिंपली करके सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे कितना आएगा ये, ये आपका अगर एलसीएम इसका लिया जाए तो एलसीएम तो आएगा नहीं तो डायरेक्ट लिख लो जैसे वन अपॉन के फॉर्म में, तो मैं से ऊपर भी तो ले जा सकते डायरेक्ट कहाँ बेटा, तो जैसे ये वन अपॉन की फॉर्म में है अब माइनस वन अपॉन इतना दोनों में वन वन है तो हम इसे इन्वर्स करके नहीं लिख सकते कि मतलब उससे फायदा क्या मिलेगा हमको इन्वर्स को रखने से, सिंपलीफाई तो करना पड़ेगा ना हमको, मतलब जैसे ये ऊपर ऊपर चले जाएंगे तो नीचे दोनों का वन आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो सर नीचे तो 3x स्क्वायर है तो सीधा ना ना कहां डिनोमिनेटर नीचे आएगा, देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ पहले, अभी देखो क्या होगा, ये अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान थ्री एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस सिक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही हुआ ना? यस। अब देखो जीरो है, जो जीरो रखे यहाँ पे तो सिर्फ ये एक्स स्क्वायर परेशान कर रहा है हमको, अगर ये एक्स स्क्वायर ना होता अभी हमारे पास में तो क्या होता, हम सिंपलीफाई हो गया होता सब कुछ हमारे पास, तो अभी परेशान कर रहा तो क्या करेंगे इसको हम स्लाइस कर, नहीं ना डिफरेंशिएट मत करो, उसको स्लाइस कर दो, अब डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, देखो अंडर रूट है ना ये, वन अपान इसका अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस वन तो माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा, ये भी सबका पूरा पूरा अंडर रूट बड़ा हो जाएगा, तो क्या करो इसको यहाँ पे रेशनलाइज कर दो ज्यादा, ठीक है? क्या कर सकते हैं इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, रेशनलाइज किससे करें, इस पूरे के हिसाब से रेशनलाइज करें हम, तो रेशनलाइज करने का मतलब हुआ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस x स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? यस। क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस x का होल स्क्वायर बन जाएगा, वन प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस वन माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे अगर ये इतना पूरा टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा भारी भरकम टर्म आ जाएगा ये, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई टर्म परेशान नहीं कर रहा है सिवाय इसके, इसके अलावा कोई टर्म से हमें परेशान नहीं कि बाकी सारा टर्म जीरो होकर के वन वन दे देगा आपको, तो उसको ऐसे रहने दो, थ्री एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर इन ब्रेकेट अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करने का मतलब सॉल्व वाल मत करो, अब क्या करो, हम क्या करना चाहते हैं, हमें ये एक्स स्क्वायर खाली परेशान करे, एक्स स्क्वायर को हम खत्म करना चाह रहे हैं यहाँ से, ठीक है? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो वो तो हो ही जाएगा, इसमें से एक्स कॉमन निकाल लो, इसमें से कॉमन निकालो, लेकिन ये वन बचेगा नहीं, करना पड़ेगा, देखो करना ही पड़ेगा, स्क्वायर करते ही वन वन कैंसिल हो जाएगा, तो वन हो जाएगा एक्स पावर फोर हो जाएगा प्लस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा प्लस अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस जितना टर्म आएगा इन सबकी वैल्यू वन आएगी, कितनी आएगी, टू आएगी, सॉरी इन सबकी वैल्यू टू आएगी, यहाँ तो वन हो जाएगा जीरो रखने पे, यहाँ भी वन हो जाएगा, यहाँ पे वन और यहाँ भी वन, तो वन प्लस वन इंटू टू हो जाएगा ये, ठीक है? और तो मैं अभी टू लिख लू इसको यहीं पे क्योंकि मैं पूरा वर्ड लिखना नहीं चाह रहा हूँ, लिख लू टू, टू लिख लिया हमने, ये वन यहाँ से कैंसिल हो गया, वन यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास में, एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर बचा, ये बन जाएगा एक्स पावर फोर, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर प्लस थ्री बचेगा ना,
अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, इनटू टू है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, थ्री थ्री बचा रहेगा, आप जीरो पुट अप करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, थ्री बाय थ्री कट करके सिंपली वन बाय टू आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जाने पे हमें कितना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ स्टार्ट कर लिया, नहीं मैं करता पूरा दो पेज भर जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 20 सेकंड में आंसर दिख गया था हमको, हमें यही वैल्यू चाहिए खाली, तो इसलिए ये डिसाइड करना कौन सा मेथड यूज करेंगे ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस पे, आई थिंक इसका लास्ट क्वेश्चन, नहीं यही लास्ट क्वेश्चन था, साइन इनवर्स से पर ओके। अच्छा एक एक छोटा सा पॉइंट है, क्वेश्चन नहीं है, इसको नोट कर लो कहीं कभी कोई आ जाए तो, इफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री डॉट 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 अल्फा एन आर रूट्स ऑफ एफिशिएंट एक्स पावर एन प्लस एन ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, इसका जो होता है रिजल्ट ये होता है, देन अल्फा माइनस वन अल्फा माइनस टू अल्फा माइनस वन अल्फा माइनस थ्री डॉट 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 अल्फा वन माइनस अल्फा एन इक्वल टू एन अल्फा वन पावर एन माइनस वन प्लस ए होता है, ठीक है। ये आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर इसको प्रूफ भी करना हो तो क्या करेंगे, लॉपिटल रूल लगा करके इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, n इंटू अल्फा वन पावर n माइनस वन प्लस अल्फा ए है, ये ठीक है, ये n इंटू है इसके साथ में, पूरा एक साथ में है ये, ठीक है। तो कभी कोई इक्वेशन इस टाइप का दिया हो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो या कोई पॉलीनोमियल दिया हो और उसके रूट्स दिए हुए हो अगर, ठीक है, तो उसमें जो आपका रिलेशन बनता है वो यही बनता है। Yes. अभी उन सारे रूट्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो उसका जो फाइनल वैल्यू होगी वो यही होती है, ठीक है। Yes. और इसको हम लॉपिटल यूज करके इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉपिटल पे जो भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए हैं, ठीक है। Yes. हमारे पास दो छोटी छोटी चीजें बची हुई है, एक हायर ऑर्डर एवोल्यूशन एक्सपोनेंशियल यानी वन पावर इनफिनिटी वाले टर्म नहीं देखे अभी हमने, एडवांस लिमिट उसको देखेंगे और थोड़ा एक न्यूटन्स लीबनिट्ज थ्योरम था उसको देख लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से, एक या दो क्लास में इसको हम लोग इसको जो है फिनिश कर ले जाएंगे।